क्या कभी किसी कानून के दुरुपयोग की आशंका पर इस कानून को समाप्त किया गया है? इंडियन पेनल कोड 1860 से है। दरोगा जी कई बार चोरी के केस में झूठा फंसाते हैं, दरोगा जी मर्डर के केस में भी झूठा फंसाते हैं, आप कौन से झूठ हैं? इनकम टैक्स कानून 1922 से है। कई बार इनकम टैक्स के पदाधिकारी आपसे अधिक पैसा लेते हैं, आप अपील में जाते हैं। दहेज निरोधक कानून जो है उसका भी दुरुपयोग होता है, लेकिन क्या हमने कभी कहा दहेज के कानून को खत्म करो, इनकम टैक्स खत्म करो? कभी हमने कहा इंडियन पेनल कोड खत्म करो? कोटा खत्म किया गया क्योंकि आतंकवादी ने कैंपेन किया और भारत सरकार चुप गई। आतंकवादी मुस्कुरा पड़े, वोट बैंक के लिए इस सरकार को मुस्कुरा सके। दिल्ली में बांटना है उसमें घटना हुई, एक पुलिस इंस्पेक्टर मोहन शर्मा मारा गया। ये सरकार अशोक चक्र देती है और इनके मंत्री कहते हैं इसकी जांच कराओ। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने हमसे कहा कि अगर वो मोहन शर्मा नहीं मारा गया ये सरकार सुरक्षा बलों को कहती एक हाथ बांध कर लो। और ये श्रीमान शिंदे साहब भगवा आतंक हिंदू आतंक बात में उन्होंने क्षमा मांगी है, खेद प्रकट किया है, लेकिन उनके स्टेटमेंट पर सबसे अधिक खुश कौन हुआ? हाफिज सईद जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। और क्या कहा? हम तो कह ही रहे थे कि हम निर्दोष हैं। भाई और बहनों, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि मुंबई के हमले में, आतंकवाद के हमले में जो 200 लोग मारे गए उसका सबसे बड़ा सरगना पाकिस्तान में बैठ के कहता है कि शिंदे साहब सही बोल रहे हैं। ये हमारे लिए शर्म। इस प्रस्ताव में हमने साफ साफ कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। अफजल गुरु के मामले को 7 साल से अधिक लटकाया गया, कुछ लोग गुस्से में थे तो आपके पास इंटेलिजेंस था, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? हैदराबाद में ब्लास्ट हो गया, गृह मंत्री कहते हैं हमने इंटेलिजेंस भेजा, वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार है वो कहती है नहीं भेजा। भाई और बहनों, हमने नक्सलवाद की भी चर्चा की है, सरकार की कोई दिशा नहीं। जो सेना के 2 बहादुर जवान मारे गए कश्मीर की सरहद पर, जिनका सर काटा गया, हमने उसकी भी भर्त्सना की है और साफ साफ कहा है भारत की सेना को ये विवेकाधिकार मिलना चाहिए, इसका उचित समय पर प्रतिकार करें। और जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता, अटल बिहारी वाजपेयी ने जनवरी 2004 में मुशर्रफ को मजबूर किया था एक समझौता करने के लिए कि पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद नहीं होगा, ये सरकार भूल गई। आज हम कहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, सीमाएं होने चाहिए, वहां से आतंकवादी आए हिंदुस्तान को के लोगों को मारे, निर्दोष मारे जाए और हम उनसे बातचीत करते जाए, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता तब तक इस तरह की नियमित बातचीत का कोई मतलब नहीं होता। मित्रों, हमने इसमें भवन सुरक्षा की भी बात की, महिलाओं की सुरक्षा की, जो दिल्ली में घटना हुई ये पीड़ा की बात, अभी भंडारा में घटना हुई, 3-3 अपनी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, उनकी हत्या की गई, ये घटना आज भी हो रही। जब देश गुस्से में था तो दिल्ली में जब नौजवान बच्चे और बच्चियां प्रदर्शन करने आए, आपने देखा होगा टीवी पर, उनको डंडे मारे गए, उनके माता पिता को डंडे मारे गए, जाड़े में पानी की फुहार बरसाई गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए। हमने मांग की है कि महिला की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा आज हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में है, इसके लिए उचित कानून बनाया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, जुडिशरी में, पुलिस रिफॉर्म में, प्रोसिक्यूशन में, और सिर्फ टोकनिज्म से काम नहीं करेगा चलेगा। चिदंबरम साहब ने कहा हमने एक निर्भया फंड बनाया है। चिदंबरम साहब, कितना कोर्ट बनता है, कितना पुलिस अच्छा काम करती है, रिफॉर्म होता है, ये जरूरी है। तो मित्रों, आसाम की भी चर्चा हमने इसमें बहुत की है, अभी आपने देखा होगा कि रभा हसाओं ऑटोनॉमस काउंसिल में 20 लोग मार दिए गए, पहले बोड़ों के साथ संघर्ष हुआ, वहां की सरकार बिल्कुल घुसपैठियों के लिए ही हित की सरकार है और आसाम के आदिवासी, वहां की जनता की बिल्कुल अनदेखी हो रही है। और पीड़ा की बात है, भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 20 साल से आसाम से राज्यसभा के एमपी हैं, फिर भी वो शांत रहते हैं, हमने उसकी चर्चा की है, राम सेतु की चर्चा की है,
कुछ इसी प्रकार के छेड़छाड़ के साथ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम सेतु हमारी आस्था का केंद्र है, प्रभु राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर को एक नेशनल मॉन्यूमेंट होना चाहिए। इसका जिक्र है गंगा यमुना का जिक्र है, नरेंद्र मोदी जी ने जो तीसरी बार विजय प्राप्त की उसका जिक्र है इसमें, अभिनंदन है उनका। नरेंद्र भाई ने जो देश में आशा जगाई है, और अभी जो आपने उनका भाषण सुना उससे पूरे एक बदलाव के रचनात्मक तस्वीर जो उन्होंने आपके सामने रखी, काम करके शासन से लोगों का वोट दिया जा सकता है। हिंदुस्तान की नियति एक बदलाव की है जो उन्होंने आग्रह किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। प्रस्ताव में उनका अभिनंदन किया है, और हमने ये भी कहा है कि हमें विश्वास है कि शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह जी भी तीसरी बार अपने अच्छे काम के कारण भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बनेगी, उसमें विश्वास प्रकट किया हमने। झारखंड के मामले में हमने साफ साफ कहा कि झारखंड में जल्दी चुनाव होने चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगा है और कांग्रेस का इतिहास बहुत गड़बड़ है। राष्ट्रपति शासन के समय राजभवन के चोर दरवाजे से कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है, मधुपुरा को लाया गया था। ये खबर है कि अभी निर्दलीय विधायकों को खरीदा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार अगर पिछले दरवाजे से आएगी तो उसका हम पूरा विरोध करेंगे, और इसमें हमने साफ मांग की है कि झारखंड में चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए ताकि जनता को वहां पर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को चुनने का अवसर मिले। मित्रों, जो नागालैंड में नागा पीपुल्स फ्रंट की जीत हुई है, हमने उसका अभिनंदन भी किया है। बीजेपी का हमारा संबंध था, हमने ये अपील की है कि नागा का जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है नागालैंड का, उसका भारत के संविधान के अंतर्गत उसका समाधान निकलना चाहिए। तेलंगाना के विषय में मैं कहना चाहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल घोषणा कर दी कि जिस दिन भाजपा की सरकार केंद्र में आएगी तेलंगाना का हम क्या घोषणा कर देंगे, इसलिए ये स्पष्ट है, इसमें और कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, इस प्रस्ताव का सार क्या है? भारत के उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा की अगुवाई में एनडीए एकमात्र विकल्प है। मित्रों, इस प्रस्ताव में हमने इस बात का उल्लेख किया है कि यूपीए की विरासत क्या है। अगर मैं कुछ शब्दों में कहूं, व्यथित भारत, पीड़ित भारत, असहाय भारत, असुरक्षित भारत, परेशान भारत, निराश भारत, शर्मसार भारत, यह है यूपीए की विरासत कांग्रेस ने तो भारत को छोड़ा है। जैसा बताया गया नरेंद्र मोदी जी के भाषण में, लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी के अच्छे शासन को वो याद करते हैं। महंगाई नहीं थी, सड़कें बनती थी, एक हिंदुस्तानी अपने सर को ऊंचा करके चलता था। आज हमें जनता के उस अपेक्षा पर खरा उतरना है। देखिए, भारत की विकास दर 5% से नीचे है और एनडीए के सारे सरकारों की विकास दर 10% से ऊपर है। क्या गुजरात, क्या बिहार, क्या छत्तीसगढ़, क्या मध्य प्रदेश, क्या गोवा, क्या पंजाब? सुशासन से क्या होता है, इसका उल्लेख किया। तो अगेंस्ट द लीगेसी ऑफ यूपीए, ए पेन्ड इंडिया, ए शेम्ड इंडिया, ए सफरिंग इंडिया, एन इनसिक्योर इंडिया, वी हैव टू क्रिएट एन इंडिया ऑफ होप, एन इंडिया ऑफ होप, एन इंडिया ऑफ एश्योरेंस। और देश के लोगों को हमें बताना है, देश के युवकों को हमें बताना है कि भारत भाजपा के नेतृत्व में एनडीए एकमात्र विकल्प है और हम देश को बदलाव करेंगे, देश में अमन चैन आएंगे, देश में विकास करेंगे जो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी विकास होगा। एन इंडिया विच इज सेफ, एन इंडिया विच इज सिक्योर, एन इंडिया विच इज डेवलपिंग, विच इज ऑल परवेसिव एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट इंक्लूसिव इन कैरेक्टर, ये हमारा लक्ष्य है। भाई और बहनों, आज पूरी दुनिया हमारी ओर देख रही है, पूरा देश हमारी ओर अपेक्षा कर रहा है, एक एक हिंदुस्तानी हमारी ओर देख रहा है, और हमें इस राष्ट्रीय परिषद के माध्यम से इस राजनीतिक प्रस्ताव के पूरी पृष्ठभूमि के साथ एक आह्वान लेके जाना है।
और आह्वान सिर्फ एक है, यूपीए जिसके लीडर कांग्रेस है उसकी नाकामी के खिलाफ एकमात्र विकल्प है एनडीए जिसका नेतृत्व भाजपा के हाथ में है। आओ भाजपा के साथ चलो, आओ एनडीए को साथ चलो, हम देश में एक नई आशा, नया विश्वास और नई उम्मीद जगाएं। यही इस पूरे प्रस्ताव का सार है जो मैंने आपके सामने पेश किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।